गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और बच्चों आप लोग मस्त होंगे। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का सेकेंड पार्ट जो था एडिशन रिएक्शन था, तब फिर इलिमिनेशन रिएक्शन था, फिर रीअरेंजमेंट था। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए तीनों पार्ट, आज पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? सिंपली इसमें पाई बॉन्ड पर अटैक करता है अटैकिंग रिएजेंट और बना देता है ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्या है एडिशन रिएक्शन, नाम ही है एडिशन रिएक्शन, मतलब अटैकिंग रिएजेंट का एडिशन होगा सब्सट्रेट मॉलिक्यूल पर। तो वही लिखे हैं, देखिए इसको समझिए, फिर तब हम लोग पढ़ेंगे आगे मैकेनिज्म के साथ। एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अटैकिंग रिएजेंट एड अप टू सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एड अप टू, जैसे अल्काइन है, एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ, एग्जांपल में लेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन जो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन जो पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है पहले ये समझना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन में क्या होता है। तो ये जो है निकेल मेटल के प्रेजेंस में अल्काइन, सिंपल एसिटिलीन ले लिए मान लीजिए, अल्काइन मतलब एसिटिलीन रिएक्ट विथ निकेल मेटल के प्रेजेंस में H2 से रिएक्शन करता है एट 150 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या रेनी निकेल लेंगे तो ये बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ऐड होगा और बन जाएगा आपका क्या चीज CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर ये करेगा रिएक्शन ना, दो बार करेगा तो ये कौन सी हो जाएगा NiH2 से रिएक्शन फिर करा दीजिए। एक बार भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लिमिटेड कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वही बात हो जाता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में। तो देखिए क्या लिखे, ये हो गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट क्या लिखे, एडिशन ऑफ एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अटैकिंग रिएजेंट एड अप, अटैकिंग रिएजेंट H2 है, एड अप टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, सच रिएक्शन आर गिवेन बाय दोज कंपाउंड विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इन दिस रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इंटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इंटू सिंगल बॉन्ड, यही है, ये हो गया आपका रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। सिंपली क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 में कन्वर्ट होता है, ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं, sp हाइब्रिडाइज कन्वर्ट इंटू sp2 हाइब्रिडाइज एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कन्वर्ट इंटू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसमें क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो यही है एडिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अटैकिंग रिएजेंट, ये हुआ अटैकिंग रिएजेंट H2, अटैकिंग रिएजेंट एड अप टू सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, सच रिएक्शन आर गिवन दोज कंपाउंड विच कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन दिस रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इंटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड कन्वर्ट इंटू सिंगल बॉन्ड, सिंपल है, सिर्फ एडिशन होता है किसका, अटैकिंग रिएजेंट का, ठीक है।
तो फिर अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। देखिए जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़े, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसी तरह यहाँ भी होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। सेकेंड पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक, कुछ दे दीजिए, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक था तो यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक ही करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। थर्ड इसमें भी होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए तो एक एक करके हम लोग देखेंगे, ये थ्री टाइप्स है, जैसे उसमें भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी थ्री टाइप्स था, इसमें भी थ्री टाइप्स होता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं तब हम लोग फ्रेश होकर के लिखते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किसको कहेंगे, एडिशन रिएक्शन अकर्स बाय फ्री रेडिकल, एडिशन रिएक्शन अकर्स बाय फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन अकर्स बाय फ्री रेडिकल इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जैसे अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे लेते हैं एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन इन प्रेजेंस ऑफ
in presence of peroxide, in presence of peroxide. तो हम लोग क्या पढ़े थे, peroxide का condition, ये peroxide के presence में होगा, एच न्यू या हीट के प्रेजेंस में होता है ना, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ एच बी आर इन एच बी, एडिशन ऑफ एच बी आर ऑन एल कीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो देखिए लिखिए, जैसे हम लोग लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल तो लिख लिए, अब इसको लिखिए जो बोले हैं एल्कीन, जैसे ये है प्रोपीन, प्रोपीन है, प्रोपीन है, ये एच बी आर के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ आर ओ ओ आर के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड हो गया, ये देता है क्या सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर देगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म समझिए, क्यों वन ब्रोमो दिया, मैकेनिज्म इसका समझिए, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अलग देगा, विदाउट पेरोक्साइड अलग देगा। ठीक है, इसको समझिएगा, तो इसमें क्या होता है आर ओ आर टूटता है तो फॉर्मेशन ऑफ चेन इनिशिएशन होगा, पहले ना चेन इनिशिएशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है चेन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, स्टेप फर्स्ट में हम लोग लेते थे, स्टेप फर्स्ट में लेते थे चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन ये कब होगा, बाय फॉर्मेशन ऑफ, बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल, इसको हिट कर दीजिए तो नीटा, देखिए आर ओ ओ आर इसको जब हिट करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, तो दोनों का चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, यहां पर जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो टू आर ओ रेडिकल बन जाएगा, टू आर ओ रेडिकल। ठीक है, अब आर ओ रेडिकल रिएक्शन कर लेगा एच बी आर के साथ, आर ओ रेडिकल एच बी आर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा आर ओ एच प्लस बी आर रेडिकल, आर ओ एच प्लस बी आर रेडिकल। अब देखिए बी आर रेडिकल अटैक करेगा, चेन प्रोपगेशन में डालिए, स्टेप सेकंड में क्या होगा चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन क्या होता है इसमें समझिए, सबस्ट्रेट मोलेकुल पर ये डबल बॉन्ड है बी आर रेडिकल, अब क्या जानते हैं दो केस यहां फॉर्मेशन होता है, या तो बी आर यहां अटैच हो जाए तो यहां फ्री रेडिकल, ऐसे दीजिएगा तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा, या यहां पर अटैक कर दीजिएगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, दो केस बनता है। ठीक है, इसमें बनेगा सी एच थ्री सी एच रेडिकल सी एच टू बी आर, यहां भी जुड़ा प्लस सी एच थ्री सी एच बी आर सी एच टू रेडिकल। ये देखिए सेकेंडरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता था, ये है टू डिग्री फ्री रेडिकल, टू डिग्री फ्री रेडिकल, टू डिग्री
फ्री रेडिकल है। ये कौन बनाया? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पता नहीं दिखेगा कि नहीं इतना छोटा, फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन, क्या चीज 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। अब 2 डिग्री फ्री रेडिकल रेडिकल मोर स्टेबल देन स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। कटने राइट मिनट देख ले, 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अटैक जो करेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल ही रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री स्टेबल ही नहीं है। तो ये जो HBr करेगा रिएक्शन CH3CH रेडिकल CH2Br, HBr के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, बना देगा CH3CH2CH2Br प्लस H ऐड हो गया प्लस Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल। तो मेरा मेन प्रोडक्ट यही हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन का ही फॉर्मेशन करेगा। अब चेन टर्मिनेशन का केस होगा तो चेन को टर्मिनेट कर सकते हैं नहीं? चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, Br ऐड हो जाएगा, उसके बाद ये रेडिकल ऐड हो जाएगा, उसमें बहुत तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो चेन टर्मिनेशन का ज़रूरत नहीं है हमको, यहाँ जानना है कि मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल ही फिर HBr के साथ रिएक्शन करेगा और वो बना देगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये कन्वर्सन में बहुत ज़रूरत है, इलेक्ट्रोफिलिक होगा 2 डिग्री, यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है चेन टर्मिनेशन, ऐसे कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, लेकिन लिख सकते हैं चेन टर्मिनेशन करना है मान लीजिए, तो चेन टर्मिनेशन करना होगा तो ये रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा, ये रेडिकल Br रेडिकल के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बहुत तरह का प्रोडक्ट बनेगा, तो उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको यही लिखा जाता है। जैसे ये रिएक्शन दिया मतलब 1 ब्रोमो प्रोपेन आपको बना देना है, ठीक है। तो ये हो गया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसी को बोला जाता है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल। अब जो हम लोग पढ़ते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल कहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम। देखिए जैसे लेते हैं मान लीजिए ये प्रोपीन जैसे लिए थे, या ब्यूटीन, अब ले लीजिए ब्यूटीन जैसे लिए, ब्यूटीन लिए, अगर HBr का रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता है, ROOR के प्रेजेंस में, तो कहता है डायरेक्टली जो मैकेनिज्म लिखे थे उसी का ही वो खाली रूल बना दिया, कहता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में
निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट है, अटैक्स ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, दोज विच कंटेंस मोर हाइड्रोजन एटम, निगेटिव पार्ट यहाँ जुटेगा। तो यही हो गया, रूल हो गया एक तरह का, ये जो है CH3, CH2, 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 Br, वन ब्रोमो ब्यूटेन बन गया, ठीक है। ये हो गया अनसाइमेट्रिकल एल्कीन, ये हो गया ब्यूट वन इन, ये है अनसाइमेट्रिकल एल्कीन में, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक्स ऑन दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेंस मोर हाइड्रोजन एटम, या बोल सकते हैं कि विच कंटेंस पॉजिटिव पार्ट अटैच्ड ऑन दोज कार्बन एटम विच कंटेंस लेस हाइड्रोजन एटम, ये भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। बट साइमेट्रिकल मोलिकूल में कोई फॉलो नहीं होता है। जैसे अब ले लिए मान लीजिए इथीन, इथीन में पेरोक्साइड रहे अथवा ना रहे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पेरोक्साइड इफेक्ट किस में, किस केस में होता है, इसमें जैसे देखिए ये डबल बॉन्डेड है, साइमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें वो कहाँ फॉलो कर रहा है दोज कार्बन एटम विच कंटेंस मोर हाइड्रोजन, दोनों तो सेम ही है, इसमें कहीं भी बिजोर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेरोक्साइड रहे अथवा ना रहे, ये दीजिए पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी ये क्या देगा, यही देगा CH3, CH2, Br देगा, ठीक है। तो साइमेट्रिकल एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन ब्रोमो इथेन, ठीक है, साइमेट्रिकल एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसीलिए रूल एगो बन गया कि अगर अनसाइमेट्रिकल एल्कीन है तो अनसाइमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन का संख्या है, तो नेगेटिव पार्ट इस पर जुड़ जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम देखना, इन्हें कि इधर उधर मत कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड क्या लिखे, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये नेगेटिव पार्ट है, अटैक्स ऑन दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच कंटेंस मोर हाइड्रोजन एटम, इसमें दो है इसमें एक, इसलिए नेगेटिव पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। तो यही तो हम लोग मैकेनिज्म में लिखे हैं और तो कुछ किए नहीं है, क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें जो देखा जाता है कि ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एच एक्स, ये सब जानिए, यही लिख देते हैं साइड में, हो जाएगा पूरा, रिएक्टिविटी ऑफ एच एक्स, एच एक्स मतलब हैलोजन होगा तो एच आई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, एच आई तब एच बी आर तब एच सी एल तब एच एफ। चूंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, कम होता है, तो रिएक्टिविटी एच आई का ज़्यादा होगा, एच आई का ही नहीं कराएंगे, एच बी आर का ही नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन एच आई के साथ रिएक्शन जब कराते हैं, ठीक है, एच आई के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है रिएक्शन आर ओ एच आई रेडिकल बनता है, लेकिन आई रेडिकल रिएक्शन नहीं करता है, का है मोर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्सोथर्मिक स्टेप है ये, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, ठीक है। इसका लिखिए फिर, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब थोड़ा वो बात लिखिए देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। केस ऑफ एच आई के साथ अगर कराते हैं प्रोपीन का रिएक्शन CH2 HI पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, आर ओ आर के प्रेजेंस में,
यहाँ नो रिएक्शन होगा, नो रिएक्शन, रीजन समझिए। ये तो रीजन, इसका देखिए, इसका रीजन लिख देते हैं। रीजन क्या होता है, ये क्यों नहीं रिएक्शन करता है? तो आर ओ ओ आर तो टूटेगा ही, जैसे मैकेनिज्म लिखे तो वही है मैकेनिज्म, टू आर ओ रेडिकल में टूटा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है। और आर ओ रेडिकल एच आई के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, तो आर ओ एच प्लस आई रेडिकल बन गया, ठीक है। अब जो आई रेडिकल रिएक्शन करता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्लस, अगर आई रेडिकल हो गया तो आई रेडिकल के साथ इसका नो रिएक्शन होता है, नो रिएक्शन काहे नहीं होता है, तो मोर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होता है, मोर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और इंडोथर्मिक स्टेप, इंडो थर्मिक स्टेप, थर्मिक स्टेप, इसलिए ये जो है, ये दो पॉइंट याद रखिएगा, इसीलिए ये रिएक्शन ही नहीं करता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही ये नहीं करता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा पॉइंट। तो यही है आपका एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, इसमें पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, व्हाट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। और हम लोग इसमें पढ़ लिए, ठीक है, अब इसमें नहीं बचा, अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये छोटा है इसी को लिख देते हैं इसमें, व्हेन एडिशन रिएक्शन अकर्स बाय न्यूक्लियोफाइल when addition reaction occurs by nucleophile is called nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, हम लोग पहला पढ़ते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, जिसे हम लोग लेते हैं एसीटोन, ठीक है, जिसे ले लिए एसीटोन, ये है HCN के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है साइनोहाइड्रिन CH3, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, कॉमन नेम हुआ एसीटोन साइनोहाइड्रिन, ये हो गया एसीटोन। इसका मैकेनिज्म जब लिखेंगे, मैकेनिज्म में क्या होगा समझिएगा,
स्टेप फर्स्ट में होता है क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से लाएंगे? न्यूक्लियोफाइल HCN टूटेगा, ये दे देगा H प्लस प्लस CN माइनस। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल कहलाया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक्स यहाँ पर क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज स्टेप सेकेंड में होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन। अब यहाँ आपको समझना होगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन क्या है, ठीक है? तो देखिए यहाँ जो है प्लस आई इफेक्ट के कारण, यहाँ थोड़ा फैल करके लिखना होगा, ये जो है ये डबल बॉन्ड है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण ये इधर शिफ्ट करता है, और साइनाइड आयन अगर इधर है, इधर भी ले सकता है इसे घुमा करके, साइनाइड आयन अटैक कर देगा कहाँ से? यहाँ पर, इस पर डेल्टा प्लस डेवलप होगा, स्वाभाविक है, इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस, लेकिन जैसे ये इधर अटैक करेगा ये माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो क्या बन गया? CH3 CN CH3 CN CH3 O- बन गया, ठीक है? ये बन गया। अब क्या होगा? प्रोटॉन कंबाइंड विथ एनायन, अब क्या करेगा ये जो प्लस चार्ज है प्रोटॉन, स्टेप थर्ड में प्रोटॉन कंबाइंस विथ ये एनायन पार्ट है, विथ एनायन, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए CH3 CN CH3 O- है, H प्लस जैसे गया ये ऐसे बना लेगा, तो क्या बना दिया? यही बन गया साइनोहाइड्रिन CH3 CN CH3 OH। देखिए यही बन गया साइनोहाइड्रिन, ठीक है? साइनोहाइड्रिन बन गया। तो इसी तरह करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड में, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है? अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है? इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड।
ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखिए ये है मान लीजिए कार्बोनाइल कंपाउंड, ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है, आर एम जी एक्स, आर कोनो भी आर फिनाइल लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, एम जी एक्स, इस पे डेल्टा प्लस होता है, इस पे डेल्टा माइनस होता है। ये जैसे इधर मूव करता है तुरंत ये अटैक कर देता है इस पर, ये निगेटिव पार्ट, तो क्या बन गया सी एच थ्री सी ओ माइनस आर सी एच थ्री, बचाव क्या एम जी एक्स डेल्टा प्लस। अब ये इस पर अटैक कर देगा, अब तो यहाँ जैसे ये डेल्टा माइनस गया उधर तुरंत ये करेगा और बना देगा सी एच थ्री सी ओ एम जी एक्स सी आर सी एच थ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन में काम देगा, इसलिए इसको पकड़ बनाइएगा। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या है, एच प्लस ओ एच माइनस, एच प्लस ओ एच माइनस, तो ये बना देगा सी एच थ्री सी ओ एच सी एच थ्री आर प्लस एम जी ओ एच एक्स हो जाएगा, इसका ओ एच बच जाएगा, एम जी ओ एच एक्स निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए एडिशन ऑफ एच सी एन टू एसिटिलीन, ये बी एग्जाम्पल हो गया, सी एडिशन ऑफ एच सी एन टू एसिटिलीन, अल्काइन ग्रुप पे भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, एडिशन ऑफ एच सी एन टू अल्काइन। ठीक है, कैसे होगा देखिए, एच सी एन है, यही है, एच सी एन के साथ रिएक्शन करता है, क्या देगा ये सिंपली बी ए सी एन टू के प्रेजेंस में, बेरियम साइनाइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और ये देता है क्या चीज, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एन। ठीक है, ये देता है, ठीक है। अब एसिटिलीन का रिएक्शन एडिशन ऑफ एच सी एन एंड मिथाइल अल्कोहल लिख देते हैं, एंड मिथाइल अल्कोहल एडिशन ऑफ एच सी एन एंड मिथाइल अल्कोहल टू अल्काइन या एसिटिलीन। ठीक है, यही रहने दीजिए। अब ये करता है रिएक्शन किससे, मिथाइल अल्कोहल इसे बना दीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ बेस करता है, ठीक है, के ओ एच के प्रेजेंस में, ये देता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ सी एच थ्री। ठीक है, ये देता है, तो याद रखिएगा के ओ एच के प्रेजेंस में
ये प्रोडक्ट देगा। KOH के प्रेजेंस में क्या होता है, KOH टूटा, OH माइनस इसका H प्लस एब्जॉर्ब कर लिया, O बच गया, यहाँ पर O अटैच हो जाता है पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड एंड अल्काइन ग्रुप। अल्काइन के साथ यही दो को करता है, अल्काइन और कार्बोनाइल ग्रुप ही देता है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक दूसरा वीडियो बनाएंगे, वो बड़ा पार्ट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसमें थोड़ा ज़्यादा समझना है, ठीक है, तो उसमें अलग वीडियो बना देंगे। तो ये दोनों इसी में रहा, अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, केयरफुल होकर के देखिएगा, आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे। एक बार अगर नहीं समझ में आए रिपीट करके वीडियो देखिए, वो समझ में आएगा। जब एक तरफ से देखना शुरू करेंगे तो आपका IIT मेन का तो लेवल एकदम तैयार होना है, कोई दिक्कत नहीं है। नीट का तो क्वेश्चन ईजी होता है, ये नीट लेवल से भी थोड़ा अप ही है, इसलिए नीट वाले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एडवांस लेवल में कुछ इस पर जब आपको पूरा डेप्थ बनेगा तभी एडवांस क्लियर होता है। तो पहले आप लोग मेन के लिए डेपली पढ़िए, ठीक है। तो आप लोग जो न्यू व्यूअर हैं, जो नया देखिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो ओल्ड व्यूअर हैं अपने फ्रेंड में लिंक जरूर शेयर कर दिया करें डेली। थैंक यू।